हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट के फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले डिड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस को बना के देखते हैं। सेंटेंस है, क्या तुमने कल मैच नहीं खेला था? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले लगाना होगा डिड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिड लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट है तुमने, तुमने के लिए यू लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यू लिख दिया। उसके बाद में नॉट लगाना है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है इसलिए नॉट लगाएंगे। ये देखिए, नॉट लगा दिया। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लिखना है। फर्स्ट फॉर्म किसकी लिखेंगे? खेला था। खेला था मतलब खेलना, खेलना होता है प्ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्ले लिख देंगे। उसके बाद में बचा है कल और मैच। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, समय संबंधित शब्द को सबसे लास्ट में लिख। तो फ्रेंड्स, कल की इंग्लिश को लास्ट में लिखेंगे। अब बचा है मैच। तो फ्रेंड्स, मैच को लिख देंगे मैच। उसके बाद में बचा है कल, कल के लिए यस्टरडे लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया, डिड यू नॉट प्ले मैच यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या माता जी ने सुबह कमरा नहीं साफ किया था? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है? माता जी, माता जी मतलब द मदर लिख देंगे, द मदर लगा दिया। उसके बाद में नॉट लगाना है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है इसलिए नॉट लगा देंगे। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फर्स्ट फॉर्म साफ किया था, साफ किया था मतलब साफ करना, साफ करना होता है क्लीन। तो फ्रेंड्स, क्लीन लिख दिया। उसके बाद में बचा है सुबह और कमरा। तो फ्रेंड्स, सुबह एक समय से संबंधित शब्द है, इसको लास्ट में लिखेंगे। बचा है कमरा, कमरा की इंग्लिश होती है द रूम, इसलिए द रूम लिख दिया। उसके बाद में बचा है सुबह, सुबह के लिए इन द मॉर्निंग लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया, Did the mother not clean the room in the morning? Next sentence है, क्या तुमने उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले did लगाएंगे, did लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है तुमने, तुमने मतलब तुम, यहाँ पे यू लगा देंगे। उसके बाद में नॉट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था मतलब अस्वीकार करना। तो फ्रेंड्स, अस्वीकार करना होता है डिक्लाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देंगे डिक्लाइन। उसके बाद में लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है उसके निमंत्रण को, उसके निमंत्रण को मतलब उसका निमंत्रण। तो फ्रेंड्स, उसका निमंत्रण के लिए हिज इन्विटेशन लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया, डिड यू डिक्लाइन हिज इन्विटेशन? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने पुस्तक नहीं खरीदी थी? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे डिड। तो फ्रेंड्स, डिड लगा दिया। उसके बाद में उसने के लिए ही लगाएंगे। उसके बाद में नॉट लगाना है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म मतलब खरीदी थी, खरीदी थी मतलब खरीदना। तो फ्रेंड्स, खरीदना होता है बाई, बाई लिख देंगे। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट बचा है पुस्तक। तो फ्रेंड्स, द बुक लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया, डिड ही नॉट बाई द बुक? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।